स्पीकर सेम प्रॉब्लम की वजह से, डिस्काउंट की वजह से, आवाज़ ना आने की वजह से आज हम खुद बोलने वाले, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसे हम जा रहे थे, पेट्रोल खत्म हो गया था, तो इसलिए हमने सोचा भाग ले, पर पीछे से ऐसी जो पड़ी पिछवाड़े में, तो ये हमारा एक लौंडा नॉक हो गया, तो एक लौंडे पे हमने मार दिया स्मोक। स्मोक देख रहे थे मारते हैं और सीधा धुएं से अंदर आ गए, मतलब कैसे देखते ही देखते हम ऐसे भाग चुके और ये हम अंदर पहुंच गए। और बाद में हम ऐसे नॉक वगैरह निकाले थोड़े, ऐसे पीछे आगे पीछे देखते हुए, और ये थोड़ी सी ऐसे स्प्रे वगैरह डालते हुए, बट यहाँ पीछे से थोड़े से ऐसे पड़ सकते थे क्योंकि पीछे ओपन था और ये पीछे से पड़ चुकी थी। और बाद में हम दुम उठा के धोती पकड़ के भागे और ये इधर हमें दिख चुका था, तो इसीलिए स्प्रे डाल रहे थे, बट नॉक नहीं निकल रहा था। ये पेड़ के पीछे हम मारते मारते बट नॉक नहीं निकल रहा था, आप समझ सकते हो, ये दरवाज़ा फोड़ दिया इसी ने। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो रीलोड मार के नॉक निकाल दिया जाए, तो इस ब्लॉन्डे को तो नॉक निकालेंगे। और बाद में ये दिया पीक और ये निकाला हमने नॉक। अरे नॉक क्या, नॉक कभी निकलेगा, ये निकला नॉक। और बाद में इसे हम फिनिश करते हुए ये दूसरा बंदा, इसको नॉक निकाल दिया। और ये जो जंपिंग जपांग करके आया था, इसको हम नॉक निकालना चाहते थे बट वो निकला नहीं, वो प्रॉब्लम हम आ रहा था, ठीक है। और ये जैसे निकला तो इधर हुई सबसे बड़ी फालतूगिरी, ये मर डाली मौली, और ये मौली की वजह से हमारे पिछवाड़े में लगी आग, और आग की वजह से हम बगैर मर, ठीक है। तो यहाँ किस्सा ख़त्म। और बाद में ये लौंडे को ऊपर उठा लेते हुए, और ये देखो ये क्या ही मजे चल रहे हैं। और बाद में ये देखो, ये थोड़ा सा पिछवाड़े में मार दिया सीधा पिछवाड़े में। और बाद में यहाँ गाड़ी आ गई थी, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना स्प्रे डाल दिया जाए, गाड़ी फोड़ दी जाए, इसलिए तो थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी फोड़ दी। और बाद में यहाँ जैसे ही हमने देखा, ये एक हमारा लौंडा नॉक पड़ गया, तो यहाँ इसलिए यहाँ के स्प्रे डाल दिया और एक लौंडा नॉक निकल गया, बट फिनिश नहीं हो पाया क्योंकि यार आप देख सकते हो थोड़ा सा ऐसे चोक हो गए थे। और बाद में ये लौंडा है बाद में लेट के एकदम जहर स्प्रे मारा, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि हील ना होने की वजह से अभी पोपट हो गया है दोस्तों, और ये मौली डालने की फिर से संभावना थी खुद पे, देते बट बच गया फिर। और यहाँ हमने पोपट निकल गया, ठीक है। और बाद में ये नेड अपना स्मोक डाला, ये दूसरा स्मोक डाला, और यहाँ क्योंकि पीछे वाले भी बंदे थे इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे देख रहे थे, बट ये नहीं देखा कि खिड़की के बाजू में खड़े, और इसलिए पेटी वाली खिड़की यहाँ पर ऐसे नॉर्मल बॉड वगैरह मारा। और बाद में ये जो हरामी था इसने बहुत तंग किया। और बाद में यहाँ ऐसे थोड़ा देखा, और बाद में देखा जो उसी से लिया सीधा नॉक निकाल दिया, तो उसको फिनिश करने के चक्कर में यहाँ हमारी पेटी बन चुकी थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हमारी नज़र हटी, दुर्घटना घटी, और यहाँ सामने से ऐसे आवाज़ आ रहे थे, इसलिए हमने सोचा पेटी बना दी जाए, इसीलिए हमने अंदर आके बाहर से शॉट मार दिया। बाद में जैसे ही हम अंदर गए तो यहाँ कुछ गोलियाँ इसके पैन पे लगी, तो दोस्तों पैन पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो अभी फिर से आप देखोगे कि यहाँ देखो बहुत सारी गोलियाँ पैन पर लगी और यहाँ हमारे पिछवाड़े में गोलियाँ घुस गई, ठीक है। तो यहाँ मेरे भाई मिल गया, और बाद में एक लौंडे को शॉटगन से नॉक निकाला, और बाद में हमने सबको उड़ा दिया। और उसके बाद ये सल्लू भाई बनने की कोशिश, बट ना हमें उतना टैलेंट का ये देखो फिर से मिस हो गया, इसलिए फिर हमने सोचा क्यों डीपी से उठा लिया जाए, और यहाँ थोड़ा मारने की कोशिश, और यहाँ पेटी बनते हुए, और इसीलिए फिर रिवाइव मिल गया। और यहाँ एक लौंडा बाहर आ चुका था, वो देखा नहीं, फिर से पेटी बनने की कोशिश, और ये 100% पेटी बनने। तो इस जगह से मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, मैं अकेला अलग जगह उतरा था, तो इसीलिए पेटी बनने की संभावना बहुत थी, तो इसलिए यहाँ वहाँ देखते हुए बहुत सतर्कता बरतते हुए, तो यहाँ हमने देखा कि अंदर कोई नहीं है, पुश मारते हुए थोड़ा सा, और बाद में एकेम वगैरह मिल गई थी, तो इसीलिए बाद में थोड़ा सा गाड़ी से आगे जाने की कोशिश करी, और फिर ऐसे वैसे मिल गया, बट तभी एक लौंडा दिख गया, और तभी ये कंट्रोल का स्प्रे पूरा नहीं बैठा, और उसका बहुत बड़ा भुगतान होने वाला है। तो यहाँ पर देखते ही देखते यहाँ पर लौंडा नहीं निकला था, बट जैसे हम यहाँ गए लौंडा एकदम चपक करके इधर आ गया, मतलब यहाँ से जस्ट ऐसे थोड़ा सा आवाज़ का सेंस बढ़ा, नहीं वॉल्यूम का बढ़ा गया, और ये उसी का एक भी घंटा नहीं बैठा, तो इसीलिए पेटी पड़ गई। तो इस बार लिविक में भी वैसे ही हुआ, थोड़ा ऐसे अलग जगह पे उतरे, थोड़ा ऐसे बाद में एकदम ऐसे ड्रॉप दिख गया, तो ड्रॉप पे जो हमारे बंदे थे वो बोल रहे थे वहाँ से कहीं से तो पड़ रही है, तो मैंने जैसे फॉरेस्ट मारा, तो यहाँ पे ये बंदा जगल जिगल जो दिया, मतलब माँ कसम चार गोली लगी सिर्फ, और नॉक भी नहीं निकला, तो इसलिए स्टोन पे पुश किया, स्टोन के एक साइड से घंटा कुछ नहीं दिख रहा था, सो मैंने सोचा चलो स्विच किया जाए, तो यहाँ पे जैसे मैंने देखा तो ये बंदा उड़ गया अपन ने धोती खोल के, और यहाँ पे मारने के मतलब क्या झपकना मार के उठाए। और बाद में यहाँ से आगे से बंदा आ रहा था, और यहाँ एक ऊपर बंदा था, इसीलिए मैंने स्मोक मार दिया, और बाद में जैसे ही स्मोक हुआ, स्मोक का कवर लेके मैं ऊपर जा गया, मुझे लगा एक ही बंदा, तो एक बंदा क्योंकि यहाँ पर ऐसे जैसे आपको दिख गया, और एक्चुअल में यहाँ तीन बंदे थे एक स्मोक में, और ये जो दो मेरे पेटी पे।
सर इस बार भी थोड़ा ऐसे मतलब हम जॉर्जो से डिसाइड उतरे थे, थोड़ा सा ऐसे सल्लू भाई वाली प्रैक्टिस करते करते ऐसे थोड़ा हम आगे गए, तो हमने ऐसे देखा भाई आगे से बग्गी वाला आ रहा है, तो फुल सल्लू भाई उतार दिए और सीधा ठोक दिया पूरा 360 मार के, जो M7 थी हाथ में पूरी पेटी बनाने के स्टाइल में, और ये ब्लोंडा जो था आगे आके सीधा स्लैम ने जिसे मार दिया। और बाद में ऐसे थोड़ा हम जो ऐसे टाइम पास कर रहे थे, तभी ऊपर वाला यहाँ जो बंदा है टंकी पे, उसने भाई हमारे बंदों को लपेटना शुरू कर दिया और यहाँ जो मुझे मारा, तो बाद में मैंने ऐसे थोड़ा रुका और बाद में ऐसे थोड़ा कॉर फायर दिया बंदे को बचाने के लिए, बाद में ऐसे उसे रिवाइव करा थोड़ा। और बाद में जैसे ही ये आया बाहर, मतलब पहली बार पीक गया तो थोड़ा से मारने की कोशिश की, बट ज़्यादा मारा नहीं, तो इसीलिए बाद में दूसरी बार इसने पीक दिया, बट सॉरी फॉर द वीकनेस। और बाद में ऐसे मारते मारते और बाद में जैसे मैंने पीछे नोटिस किया, ये भाई अपने लॉन्ड एंड नॉक पड़े, तो इसीलिए बाद में मैं ऐसे थोड़ा गया आगे ऐसे गाड़ी वगैरह लेके गया, पर यहाँ बंदा बोला कि यार और भी यहाँ पीछे से बंदा है, तो इसलिए मुझे लगा कि रोटेट मार के आया रहेगा, तो वहाँ पे हमने जो बाहर जाके इसको नॉक निकाला, मुझे लगा एक है, बट वही ही फायर में भाई दूसरा बंदा भी लपट गया, मतलब समझे लपेटने की स्किल्स ऐसे तो नहीं है, बट ठीक है चलता है ब्रो। बाद में रिवाइव दे दिया इसको, बाद में मतलब जो उनके पास माल था ना, मतलब कतई जहर हमारे पास कुछ नहीं था, पूरा इनसे लपेट के उठाया और बाद में आगे चले गए। तो और ऐसी पीडियो साइड में हम चिंगाला हु कर रहे थे, तब भी जस्ट अचानक हमने देखा कि सामने से दासियां आ गए और भाई इतना फुल पेटी बनाने के मूड में थी, तो इसलिए हमने थोड़ा कॉर फैर दिया थोड़ा। तो ये बंदे आते सर ही हम लोग को इनकी पोजीशन बिल्कुल पता नहीं थी, फटने के कारण थोड़े से खोपचे में जाके बैठ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा एंगल वगैरह बनाया जाए। ऐसे ऐसे फुटस्टेप्स वगैरह क्लियर हुए, भाई पूरे ऐसे लौंडे भर गए अंदर पूरे के पूरे। बाद में ये एक को जो आया था उसको ढोक दिया, बाद में माल वगैरह लूटा इसका, तो सीधा इस खिड़की के आगे निकलते हुए ये बंदा इधर अलग ही जिंगाला लहू कर रहा था, इसकी पेटी बना दी और बाद में अंदर जाके घर के अंदर थोड़ा टाइम पास वगैरह किया। तो वहाँ से निकलने के बाद ऐसे देख रहे थे कहाँ जा, और अचानक ड्रॉप पे रुक गए, तो यहाँ देखा कि यार चलो यार देख लेते ड्रॉप पे क्या है, तो ड्रॉप अंदर से भाई आग वगैरह थी, होम वगैरह नहीं थे, तो इसलिए सोचा चलो ना छोड़ दिया जाए और बाद में हम आगे बढ़ गए। आगे आगे जैसे बढ़ गए तो यहाँ भाई BRDM लेके बंदा आ गया था, मतलब अलग ही नशे कर रहा था, BRDM कौन लेके आता है। तो वैसे हमारे कुछ बंदों ने उसका BRDM सीधा उठा लिया और बाद में हम भाग गए। तो यार यहाँ जैसे यहाँ से मैं देख रहा था, तो यार अचानक से पड़ी, तो मैं सोचा वहाँ से थोड़ा पीक मार ले, तो ये बंदा मुझे अचानक से दी, इसे मारने के चक्कर में मैं मर गया भाई। MK थी उसके बाद समझ लो MK 14, तो वैसे ही रिवाइव मिलते हुए मैं पीछे से रोटेट मारा, तो यहाँ हमारा बंदा नॉक हो गया, तो इसीलिए फिर मैं सोचा चलो यार बचाने जाते, तो फिर बचाने गया और वहाँ भाई फुल फिनिश करने के मूड में था बंदा, इसीलिए मैंने उसको नॉक मार दिया। नॉक मारने के चक्कर में पूरा गोली उसके पैन पे लग गया और इसीलिए वो फिनिश नहीं हुआ और पिछवाड़ गया यहाँ से, पूरा बंदा गया MK से उड़ा के लेके गया, मतलब समझ लो MK थी उसके पास और फुल पेटी बना के चला गया यार। बस यार ईशे गोल सब्सक्राइब करूँगा यार, बस वीडियो लाइक करा शेयर करना दोस्त मित्रों के साथ, बस।